में हैं, करेंगे, जिनके जवाब देंगे। और जो छात्र हैं, जो आगे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उनके लिए बहुत लाभदायक उनकी जानकारी रहेगी। पहला क्वेश्चन आपसे है कि इसमें उसका क्या योगदान है, कैसा रहा? एग्जाम में सबसे पहले तो सीबीटी होता है, उसके बाद स्टेनो होता है। स्टेनो का तो इसमें बराबर का योगदान है, क्योंकि स्टेनो अगर नहीं आती होगी तो ये पेपर के लिए आपको पहले अच्छे से कोचिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वैसे तो आप सीख नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अच्छा बोलने वाला डिक्टेटर तो चाहिए। तो आपने पूछा था मैंने कि वैसे तो नाम आप खुद ही लेंगे? हाँ सर, मैंने स्टेनो सर के यहाँ से की थी और सर ने बहुत ही सपोर्ट किया। कैसे आपके परिवार में सब क्या सोच रहे हैं, कैसा माहौल है? सर बहुत खुश है, सब लोग, पेरेंट्स बहुत खुश है, रिश्तेदार भी बहुत खुश है और टीचर्स भी बहुत खुश है। और आप कितना संतुष्ट हैं इस वैकेंसी से? सर मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि यूपी भी अच्छा मिल गया मुझे, केंद्रीय सचिवालय मिला है मुझे, और अभी आगे और भी जारी रहेंगे, तैयारी के लिए जारी रहेंगे। तो इसका मतलब है कि आप ग्रेड सी के लिए तैयारी करेंगे? जी जी बिल्कुल सर, मैं आगे ग्रेड सी के लिए तैयारी करूँगी और आप रिकॉर्डिंग शायद रहेगा फोन में देखते रहेगा आपका पूरा, और जॉइनिंग के बाद फिर आपसे मिलेंगे।